तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह बैंगन खाने के शौकीन हैं तो आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको काठियावाड़ी स्पाइस स्टाइल में कैसे बनाया जाता है ये बैंगन का भरता आपको सिखाएंगे। थोड़ा सा अलग होता है, बड़ा ही सरल होता है, लेकिन आपको यकीनन मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस काठियावाड़ी स्पेशल एपिसोड को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर लेता हूँ और इसमें डालूंगा मूंगफली का तेल, यानी कि ग्राउंडनट ऑयल। थोड़ा सा ग्राउंडनट ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास घर में मूंगफली का तेल ना हो तो कोई बात नहीं, आप किसी जो भी अवेलेबल आपके पास ऑयल रहता है उसमें आप बना सकते हैं। आप सभी का स्वागत है बियॉन्ड रेसिपीज में, मैं हूं सुमित कपूर। आज के इस काठियावाड़ी स्पेशल एपिसोड में हम बनाएंगे बैंगन के भरते को डिफरेंट तरीके से, जो कि काठियावाड़ में बनाया जाता है। बड़ा ही सिंपल रहता है, बहुत ही आसान तरीके से बनता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप बैंगन की शौकीन हैं तो एक बार इस तरह से भी आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको मजा आएगा। जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा, सबसे पहले इसमें मैं डालूंगा क्यूमिन सीड्स, यानी कि जीरा। जीरे को हम हल्का सा स्प्लटर होने देंगे। डाल रहे हैं ये करी लीव्स, यानी कि कड़ी पत्ते। देखिए तेल की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी छोटी कढ़ाई है तो देखने में कई बार लोगों को लगता है कि तेल ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, तेल ज्यादा नहीं रहता, ये कढ़ाई का साइज छोटा है। और अगर आपको तेल की क्वांटिटी कम ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जैसे हमारा तेल हल्का सा गर्म होगा, इसमें मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालूंगा। सबसे पहले डाल रहा हूँ यहाँ पे ये हरी मिर्ची, यहाँ पे मैं दो हरी मिर्ची डाल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कड़वी वाली नहीं है। इसके साथ ही इसमें मैं डाल रहा हूँ ये स्प्रिंग अनियन, ये जो हरा प्याज होता है उसको मैं डाल रहा हूँ। काठियावाड़ी स्पेशल रेसिपी में इसी तरह के अनियन का इस्तेमाल होता है, तो डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। दोस्तों अगर आप बैंगन के शौकीन हैं तो आज की ये रेसिपी ज़रूर आप ट्राई करेंगे, मुझे पूरी गारंटी है, क्योंकि बैंगन के शौकीन लोग कभी भी कोई भी बैंगन की रेसिपी को मिस नहीं करते। तो आज इसीलिए मैंने सोचा कि आपको नॉर्मल जो हम बैंगन का भरता बनाते हैं प्याज टमाटर डाल के और खूब सारे उसमें मसाले डाल के बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बैंगन की सब्जी सिखाऊँ। तो चलिए यहाँ पर हमारे ये जब तक हमारे ये सॉटे होंगे इसमें मैं डाल दूंगा थोड़ी सी हींग, यानी कि आइस ऑफ वाइटेटा। देते हैं इसको बढ़िया सा मिक्स। तो चलिए जब तक हमारे हरे प्याज यहाँ पे हल्के से सॉटे हो रहे हैं, हम क्या करते हैं अपने इस बैंगन को चम्मच से यूं क्रश कर लेते हैं, बैंगन को क्रश कर लेते हैं। वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों जरूर बताइएगा। ये काठियावाड़ी स्टाइल का जो बैंगन का ये जो सब्जी होती है दोस्तों, बड़ी स्वादिष्ट बन के तैयार होती है, आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए अगर आप सच में बैंगन के शौकीन हैं। भाई मैं तो बैंगन का दीवाना हूँ, मुझे तो बैंगन की कोई भी रेसिपी मिल जाए मैं उसको ज़रूर ट्राई करता हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आपको ज़रूर एक बार काठियावाड़ी स्टाइल में आज ज़रा आपको बैंगन की सब्जी सिखाऊँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए बैंगन को मैंने चम्मच से मैश करके रख लिया है, अब मैं आगे का प्रोसेस शुरू करता हूँ। प्याज हमारे यहाँ पे अच्छे से भुन गए हैं, अब इसमें डालूंगा मैं स्प्रिंग अनियन का जो हरे वाला पार्ट होता है वो डालूंगा, इसमें जाता है दोस्तों, और साथ ही डालूंगा ये खूब सारा गार्लिक। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। लहसुन की मात्रा दोस्तों इसमें ज़्यादा रहती है, तो लहसुन में थोड़ी सी कंजूसी मत कीजिएगा, लहसुन का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इस काठियावाड़ी स्टाइल बैंगन की सब्जी में। गार्लिक को हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। ये दोस्तों बड़े ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है, इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चलते हैं। जैसे नॉर्मली हम नॉर्थ में उत्तर भारत में जो बैंगन का भरता बनाते हैं उसमें हम खूब सारा प्याज टमाटर और खूब सारे मसाले डालते हैं, वैसा इसमें कोई सीन नहीं है, बहुत कम मसालों के साथ बनता है, बहुत ही अमेजिंग बनता है दोस्तों। ये देखिए हमारी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स कितनी सुंदर लग रही हैं आँखों को, इसमें भुन रही हैं आँखों को, ये कितनी प्यारी लगती हैं। यहाँ पे हमारा प्याज अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगा थोड़ा सा नमक, ये देखिए स्वाद अनुसार इसमें नमक डालूंगा और साथ ही इसमें डाल दूंगा अपना ये भुना हुआ बैंगन, ये देखिए भुना हुआ बैंगन डाल देंगे। कैसी लग रही है दोस्तों हमारी ये डिनर सीरीज की रेसिपी, अच्छी लग रही हो तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी कोशिश रहती है कि आपको सिंपल और अच्छी से अच्छी यूनिक रेसिपीज भी लेकर आपके साथ आएं। तो ये बाकी बैंगन से थोड़ा अलग तरह से बनता है दोस्तों,
क्विकली बनता है बहुत। इसको अच्छे से यहाँ पे हम कर लेते हैं। सिंपल इजी 5 to 7 मिनट्स में कुकिंग टाइम में बनने वाली ये रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। इसमें हमने इसको बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं करना। ये बातों बातों में तैयार हो गया हमारा ये शानदार काठियावाड़ी स्टाइल में बैंगन का ये भरता। आप इसे चाहे तो 2-3 मिनट और भी कुक कर सकते हैं। इसमें कोई हल्दी किसी तरह की लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डाल देंगे ये स्प्रिंग अनियंस कटे हुए, ये देखिए दोस्तों।